देश में पुलिस किस तरह की होती है आप और मैं अच्छी तरह जानते हैं। जब महाराष्ट्र वाला मैटर देखते हैं तो राजनीतिकरण वाले लोग जो कर रहे हैं वो आप जानते हैं, मगर ये भी सच्चाई है कि पुलिस में भ्रष्टाचार है और पुलिस किस तरह से अपने राजनीतिक आकाओं की बात को सुनते हैं ये आप और मैं भी जानते हैं। लेकिन उत्तराखंड में देखिए जो राजनीतिक बॉसेस आका है वो सोचते हैं वो राजा बन गए हैं। लोकतंत्र कुछ नहीं होता, वो सोचते हैं लोकतंत्र है ही नहीं, उन्हें लोकतंत्र दिखता नहीं, जितने अधिकारी हैं वो उनकी नहीं सुनते। ये सत्ता में तो आ जाते हैं मगर लाठियां ऐसे भंजवाते हैं जैसे कि देश के लोग इनके गुलाम हैं। आज का बता रही हूं, इससे पहले आपने देखा था कि किस प्रकार से महिलाओं पर लाठियां भाजी गई। अब ये खबर आ रही है चमोली जिले के जोशीमठ से। एक शराब की दुकान के बाहर ओवर रेटिंग को लेकर लोग हंगामा कर रहे थे और पुलिस ने जाकर लाठी चार्ज कर दिया। वो कहते हैं कि वो शांति भंग कर रहे थे जबकि ओवर रेटिंग को लेकर झगड़ा चल रहा था। तो ओवर रेटिंग को लेकर झगड़ा चल रहा था तो आपको ये नहीं देखना चाहिए कि व्यवस्था ठीक है या नहीं, या दुकान वाला जो है वो बहुत महंगा बेच रहा है या नहीं, ये देखने का विषय है या लाठियां मारने का। आप उन लोगों को वहां से हटा भी सकते थे। लाठी मारने का क्या मतलब है? क्या किसी के भी कोई अधिकार नहीं है? अगर आपने शराब की दुकान खोली है तो क्योंकि वो शराब खरीदने जा रहा है इसलिए वो शांति भंग कर रहा है, इसलिए आप लाठी चार्ज कर देते हैं। देखिए ये तस्वीरें, इन पुलिस वालों को सस्पेंड किया जाए और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत आपसे ये निवेदन है कि इनके विरुद्ध अवश्य कार्यवाही करिए और तुरंत और त्वरित कार्यवाही करिए। क्यों भैया, गंदी काम कर, गलत काम कर रहा है ना, ये गलत काम कर रहा वो।